హైదరాబాద్ ఎంతగానో వెయిట్ చేస్తున్నటువంటి డబ్ల్యూడబ్ల్యూఈ ఫైట్ మనకి రెడీగా ఉంది ఎంటర్టైన్మెంట్ చేయడానికి మొత్తం. సో మనతో పాటు వన్ ఆఫ్ ది ఫైటర్స్ షాంకి ఉన్నారు. హీఈస్ ఫ్రమ్ ఇండియా. అండ్ హై షాంకి, హౌ ఆర్ యూ? హలో సార్, హౌ ఆర్ యూ? ఐఎమ్ గుడ్, హౌ ఆర్ యూ? సో షాంకి, మనం చూడవచ్చు ఎంత నాకు ఫ్రేమ్ పెట్టడానికి కెమెరామెన్ ఇబ్బంది పడుతున్నటువంటి పరిస్థితి. సో అంత హైట్ కనబడుతున్నారు షాంకి. సెవెన్ హైట్ రైట్? సెవెన్ ఫీట్ హైట్. సో సో హౌ ఆర్ యూ ఫీలింగ్ కమింగ్ టు హైదరాబాద్? I'm so excited. I'm just waiting this moment from long time. And बहुत लंबे समय से मैं इस पल का इंतजार कर रहा था, तो फाइनली ये हो रहा है आज रात को. और मैं ये बहुत खुश हूँ. आई एम सो एक्साइटेड टू बैक टू इंडिया एंड टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ द इंडियन पीपल. आई एम सो एक्साइटेड. How is Hyderabad? How do you feel about it? Hyderabad, I heard about Hyderabad like a biryani, you know, first. And also I worked in I think worked in south movie, you know, Kicha Sudeep. Ha, it's Kannada movie. Yeah, Kannada movie. Yeah, that's I think Palwan movie. I worked in Palwan movie little bit. And 4 years ago I came in Hyderabad. And that time, first time I and second time now I'm coming to Hyderabad for the WWE. आपका इंस्पिरेशन कौन था बचपन में WWF? मैं अंडरटेकर को देखता था बहुत ज़्यादा. अंडरटेकर को देखता था जब मैं स्कूल में जाता था, तो अंडरटेकर की फाइट्स ज़्यादा देखता था. तो इंस्पिरेशन वही है मेरा, अंडरटेकर. कैसे कन्विंस किया था आप? नहीं नहीं, मैं WWE में जाते हैं, मैं वहाँ प्रोफेशन बनाते हैं. तो हाउ डिड यू कन्विंस देम? कन्विंस, मैं बहुत ही एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ. और आई वॉज जस्ट एन अकाउंटेंट इन यूनिवर्सिटी. एंड आई वॉन्ट टू डू समथिंग इन माई लाइफ. कुछ करना चाहता था मैं अलग से लाइफ में. तो घर वालों को जब पता लगा कि मैं रेसलिंग करने जा रहा हूँ, तो मम्मी तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था उन्होंने कि भाई ऐसा कुछ करेगा. वो अभी भी नहीं मेरे को सपोर्ट करते. लेकिन हाँ, वो जो फीलिंग्स हैं वो तो हैं. वो पापा मेरे को सपोर्ट करते हैं बहुत. पर थोड़ा टफ था घर वालों को मनाना कि रेसलिंग करनी है, क्योंकि उनको पता है कि कितनी चोटें लगती हैं. तो थोड़ा टफ था. आपका फिटनेस सीक्रेट क्या है? फिटनेस सीक्रेट यही है कि डाइट पे कंसंट्रेट. पहले कुछ पता नहीं था डाइट के बारे में. अब जब से US में रह रहा हूँ तो कुछ पता लगा डाइट के बारे में. तो वही है कि भाई डाइट अच्छा, क्लीन खाना है, स्वस्थ रहना है, बस यही है. यूथ आने वाले, यूथ है, एंथुसियास्ट रहते हैं इसमें आने वाले, तो उन लोगों को क्या मैसेज देते हैं आप? मैं उन लोगों को यही मैसेज दूंगा कि भाई आप जिस भी अपनी फील्ड में जो भी काम कर रहे हो, बस अपने अपने दिल से वो काम करते रहिए और आपको कामयाबी जरूर मिलेगी. अगर वो आप रेसलिंग करना चाहते हैं तो WWE का ट्रायआउट बहुत जल्द होगा इंडिया में. तो उसके लिए आप तैयारी करें, अपना स्टेमिना बढ़ाएं, पुशअप, स्क्वाट जो भी होता है आपको सब पता ही है जो स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं. तो आप जिस भी फील्ड में आप बस लगे रहिए, डट के लगे रहिए. आपको मेहनत जो आप कर रहे हो उसका आपको फल जरूर मिलेगा. अभी जो हो रहा है इवेंट, इसमें आपका फेवरेट कौन है? आपसे आपसे बिना जॉन सीना. या You are grown up seeing him, watching him. Yeah. Because जब मैं छोटा था तभी मैं उनको देखता था, तो इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है कि उनके साथ मतलब टाइम स्पेंड करना और स्टेज शेयर करना. तो बहुत ये एक ड्रीम कम ट्रू है मेरे लिए. इसके बाद मूवीज, यानी तो आपका गोल क्या है फ्यूचर को? गोल यही है कि भाई अच्छा रेसलर बनना है. अभी रेसलिंग कर रहा हूँ तो रेसलिंग पे कंसंट्रेट है. अभी कहीं पे भी कंसंट्रेशन नहीं है मेरा सिवाय रेसलिंग को लेके. तो रेसलिंग में मतलब अच्छा, मतलब अपने आप को शार्प करना. और यू मिस एक्चुअल फूड लाइक यू नो बिरयानी, पनीर, वैसा मिस करते हैं आप क्या? बिल्कुल मैं मिस करता हूँ, क्योंकि मेरा जो फेवरेट फूड रहा है वो कढ़ी चावल है. और मेरा जो फेवरेट फूड है बिरयानी. मैं खाता हूँ, इंडियन रेस्टोरेंट है US में वहाँ पे भी मैं खाता हूँ. तो अच्छा लग रहा है कि भाई चलो आज कुछ बिरयानी मतलब चखी जाएगी. थैंक यू वेरी मच, आई विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू. सो अदि शांकी, शांकी अभिप्रायं चेप्तू उन्नाडु तनु किचा सुदीप योक्क पैल्वन मूवीलो कूडा याक्ट चेसाडु. अंड ప్రస్తుతం ఇండియా వచ్చినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇంట్లో ఒప్పుకోలేదు, కానీ నా కృషితోటి నేను వాళ్ళని కన్విన్స్ చేసి ఇంత దాకా వచ్చానని చెప్పి ఆయన చెప్తున్నాను.